क्या खैर है, क्या भलाई है, क्या बुराई है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इस बात की सलाहियत रखी है, उसकी फितरत के अंदर ये बात रखी है कि हमेशा वो अच्छाई और भलाई को पसंद करता है और बुराई को ना पसंद करता है, नफे को पसंद करता है, नुकसान को ना पसंद करता है। तो जिस तरह से दुनिया के नफे और नुकसान को इंसान पसंद और नापसंद करता है, कि किसी भी काम के बारे में पता चल जाए कि इस काम के अंदर नुकसान है, तो उस नुकसान के लिए मिलता है। और ये तो इंसान को अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी ये सलाहियत रखी है कि जानवर भी अपने नफे की चीज को इख्तियार करता है, नुकसान की चीज से बचता है। आप देखने के जहां जानवर को खतरा महसूस होता है, जानवर उस खतरे वाली बात को बहुत जल्दी महसूस करके वहां से भाग जाता है, अपनी जान को बचाता है, खतरे से भाग जाता है। इसी तरह से जो जानवर के खाने की गिजा है, अगर उसके खाने की गिजा उसके सामने है, वो जानवर पहले सूंघता है। अगर उसके खाने की गिजा है तो खाता है, वरना सूंघ कर छोड़ देता है। उसे पता है कि ये गिजा मेरी गिजा नहीं है, इसका अगर खा लिया इसका मुझे नुकसान होगा। ये क्या चीज है कि जानवर के अंदर भी अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि वो नफे को हासिल करता है और नुकसान से वो अपने आप को बचाता है। ये एक अलग बहस है कि उसके अंदर उस दर्जे का अपना शऊर नहीं है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है। तो फिर इंसान के अंदर ये अपना शऊर किस पैमाने पर होगा, और दुनिया के मामले के अंदर हम इस अपना शऊर को इख्तियार करते हैं और ये नफा नुकसान की चीजों पर हम अमल भी करते हैं। जिस चीज के अंदर पता चल जाए कि इसके अंदर नफा है, आदमी दौड़ कर उसे हासिल करता है, और जिस चीज के बारे में पता चल जाए कि नुकसान है, फिर किसी भी हद पर उस नुकसान को गवारा नहीं करता, हर सूरत में अपने आप को उससे बचाता है। इसी तरह से दुनिया का नफा आखरत का नफा नुकसान, ये तो दुनिया का नफा नुकसान, आखरत का नफा नुकसान। तो जब दुनिया के नफा नुकसान को इंसान पेश नजर रखता है, तो फिर उसे आखरत के नफा और नुकसान को भी पेश नजर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी बहुत महदूद सी जिंदगी है, आखरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है। और दुनिया में जो कुछ भी कर रहा है, ये दर हकीकत आखरत के लिए कुछ बो रहा है, और जो यहां पर बो रहा है वही वहां जाकर काटेगा। तो अगर अच्छा बो रहा है तो अच्छा काटेगा, और बुरा बो रहा है तो बुरा काटेगा। बहुत से लोग ये बात कहते थे, कहते थे कि अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, बस अल्लाह का हम पे फजल हो जाएगा। तो याद रखिए कि अल्लाह गफूर रहीम भी है, बिल्कुल शक नहीं, कोई कलाम नहीं। और अल्लाह का फजल अल्लाह के बंदों के लिए है, लेकिन वो अल्लाह का फजल किस बंदे को मिलता है, वो फजल किसकी तरफ वो आता है? तो आदतुल्लाह ही है कि अल्लाह का जो फजल आता है वो अमल पर आता है, कि जब आदमी वो अमल करता है जो अल्लाह को राजी करने वाला हो, उस बंदे की तरफ अल्लाह का फजल मुतवज्जे हो जाता है। और जब बंदा अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह का फजल उस बंदे से हट जाता है, उसकी नजर करम हट जाती है। जैसे एक बेटा बाप का फर्मा बरदार है, उस फर्मा बरदार बेटे की तरफ बाप की बड़ी नजर करम होती है, बड़ी नजर इनायत होती है, और दिल के अंदर ये बात ये तकाजा होता है कि ये बेटा बहुत ही सआदतमंद है, कहना मानने वाला है, खिदमत करने वाला है। तो बाप ये चाहता है कि भाई इस बेटे के लिए कुछ किया जाए, इसको सिखाया जाए, इसको अच्छा इंसान बनाया जाए, अपने अंदर की खूबियों को इसके अंदर मुंतकिल किया जाए, ताकि उसका फायदा इसे हासिल हो। किस वजह से? कि बाप का खिदमत गुजार है, कहना मानने वाला है, बाप का दिल खुश करने वाला है। तो जब बेटे की तरफ से उस चीज की पहल हुई कि बेटे ने वो खिदमत गुजारी को इख्तियार किया, इताअत को इख्तियार किया, कहना माना, बाप का दिल खुश हो गया। और जब दिल खुश हुआ, अब वो दिल से चाहता है कि इसे कुछ दिया जाए। और एक बेटा वो है जो बाप को सताता है, बाप का कहना नहीं मानता,
अब ऐसा बेटा उसके लिए दिल के अंदर खुशी के जज्बात नहीं होते, बेटा तो है लेकिन दिल के अंदर खुशी के जज्बात नहीं होते, बल्कि तबीयत में खिबाज होता है कि ये कहना नहीं मानता, ये तकलीफ पहुंचाता है, इससे अजियत पहुंचती है। तो बाप का दिल नहीं चाहता कि इस बेटे के लिए कुछ किया जाए, कुछ सोचा जाए, कुछ दिया जाए, कुछ अपने अंदर की चीजों को इसके अंदर मुंतकिल किया जाए, नहीं दिल नहीं चाहता। वो इंकबास किस वजह से आता है? वो इंकबास उसकी नाफरमानी की वजह से आता है, उसकी अजियत की वजह से आता है कि वो बेटा बाप को अजीब पहुंचाता है और वहां पर इंशरा होता है। यहाँ इंकबास है, वहां उस बेटे के हक में जो फर्मा बरदार है बाप का दिल, उसके अंदर की इंशरा मौजूद है, चाहता है कि बस इसको कुछ कहना चाहिए, जबकि यह ख्याल करता है तो हमें भी ख्याल करना चाहिए। इसी तरह जो बंदा अल्लाह की इताअत को इख्तियार करता है, अल्लाह की बंदगी को इख्तियार करता है, और बंदगी और इताअत का इख्तियार करना, इंसान मुकल्लफ तो है लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती है, मशक्कत तकलीफ। तो जब अल्लाह ये देखता है कि ये मेरा बंदा मेरे लिए तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, तो बस अल्लाह का फजल उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। अब उस फजल की अलामत क्या है? उस फजल की अलामत यह है कि इस बंदे से नेकियों का करना आसान हो जाता है। नेकी से मुश्किल मालूम नहीं होती, नेकी का करना उसके लिए आसान हो जाता है। ये अलामत इस बात की है कि अल्लाह का फजल इसकी तरफ मुतवज्जे है। और अगर कभी नेकी का करना मुश्किल मालूम होने लगे और गुनाह का करना आसान मालूम होने लगे तो परेशान होना चाहिए कि अल्लाह की नजरें करम फट गई। और ये मदद और नुसरत जो शामिल हाल थी उसे महरूम हो गया। अब ये तो बहुत एक शामत आमाल है कि बुरे आमाल की तरफ रगबत हो गई, बुरे आमाल की तरफ दिल चाहता है, उसका करना आसान हो गया और नेकी का करना मुश्किल हो गया। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान नेक आमाल को इख्तियार करे, बुरे आमाल से अपने आप को बचाए। अब उस नेकी का मौका फाक किसी भी वक्त पर कोई भी नेकी का मौका आ जाए, जाहिर नमाज नमाज तो दिन में 5 वक्त है। अब इसका ये मतलब नहीं कि दिन में सिर्फ 5 वक्त नेकी का मौका है और इसके अलावा भी हमारे पास नेकी का मौका नहीं। इंसान हर सांस के साथ नेकी कमा सकता है, हर सांस के साथ नेकी कमा सकता है। वो कैसे कमा सकता है कि हर लम्हा और हर सांस अगर वो दिल के अंदर ही आज़्म और इरादा कर ले कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, मैंने इस वक्त को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करना, मैंने ये सांसों का जो बंधन है, ये सांस की जो नेमत है, इस पर इसकी हयात का मदार है, जिंदगी का मदार है, तो मैंने इसे अल्लाह की इताअत में तो खर्च करना है, अल्लाह की नाफरमानी में खर्च नहीं करना। अब इसका हर गुजरता लम्हा और हर गुजरता सांस, आने जाने वाले सांस इसे अल्लाह से करीब करने का जरिया बनेंगे, अल्लाह से नजदीक करने का जरिया बनेंगे, दूर करने का जरिया नहीं बनेंगे। तो ये सोचना कि बस नमाज पढ़ ली सारी नेकी अदा हो गई, नहीं, नमाज भी एक नेकी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नमाज के बाद में और नेकी नहीं है। नहीं, ईमान वाले बंदे के लिए हर लम्हा नेकी का मौका है। यहां तक मौके है नेकी के, एक आदमी रास्ता चल रहा है, रास्ते में कोई पत्थर है, कोई कांटा है, कोई तकलीफ देने वाली चीज है, कोई छिलका है, उसे हटा के एक तरफ कर दिया कि भाई किसी भाई मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, अल्लाह इस पर भी अजर अता फरमाता है, सदके का सवाब मिलता है। कोई भाई मुसलमान मिल गया, उस भाई मुसलमान से मुस्कुराकर मुलाकात की, इस मुस्कुराने पर भी अल्लाह ताला उसे सदके का अजर अता फरमाता है कि इसने भाई मुसलमान की दिलजोई की है। कि अगर ये मुंह बिगाड़ के बात करता, तल्खी के साथ बात करता, उसको अजियत पहुंचती, अब ये मुस्कुराकर मिला तो उसे राहत पहुंची, अल्लाह इस राहत पर भी सदके का अजर अता फरमाता है। यानी कौन सा मौका है कि जब इंसान नेकी नहीं कमा सकता, कि भाई मुसलमान का आमना सामना हुआ, इसने सलाम में पहल कर दी, अल्लाह की रहमत इसके ऊपर आ गई, 10 नेकियां इसके नाम आमाल में लिख दी, घर में दाखिल हुआ, घर में दाखिल होकर सलाम किया,
अल्लाह उस घर से फाके को तंगी को मिटा देता है कि जिस घर में दाखिल होकर सलाम किया जाए अपने अहले खाना को, वहां पे मखलूक आता नहीं आता। ये सारे नेकी के मौके हैं, इसलिए नेकी के मौके बहुत ज्यादा है, लेकिन गाफिल इंसान कहां पर होता है? गुनाह उससे कब होता है? गुनाह का इंतकाम उससे उस वक्त होता है कि जब वो नेकी से गाफिल हो जाता है। अगर नेकी का ध्यान लगा रहे, अब इस वक्त मैंने क्या करना है, इस वक्त मैंने क्या करना है, इस वक्त का हक क्या है, क्योंकि हर वक्त तो नमाज नहीं है, हर वक्त तो मस्जिद में नहीं है, लेकिन जिस वक्त का जो हक हो अगर उसको जहन के अंदर याद रखे, बस हर वक्त नेकी कमाने वाला है। कभी औलाद का हक है, कभी बीवी का हक है, कभी माँ बाप का हक है, अगर मुलाजिम है तो उसकी मुलाजमत का हक है, ताजिर है उसकी तिजारत का हक है, और पूरी की पूरी जिंदगी जो है ये पूरी की पूरी जिंदगी हुकूक के साथ घिरी हुई है, हुकूक ने इसका अहाता किया हुआ है, उस हुकूक से ये जिंदगी आजाद नहीं है। कहीं पर अल्लाह का हक है, कहीं पर बंदों का हक है। अब जिस वक्त का जो हक है उसको अदा करें, होगी नहीं, हर हर लम्हा लेगी, हर हर सांस लेगी, हर हर कदम लेगी। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हर उठने वाला कदम या हर जिंदगी का गुजरता लम्हा या तो इंसान को अल्लाह से करीब कर रहा होता है या अल्लाह से दूर कर रहा होता है। अब ये इंसान के अपने ऊपर है कि उसे सोचना चाहिए अपने बारे में, किसी खुशगुमानी का शिकार नहीं होना चाहिए, खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा गुजरता लम्हा और हर उठने वाला कदम क्या मुझे अल्लाह से नजदीक कर रहा है या अल्लाह से दूर कर रहा है। और इम्तिहान बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है कि अगर वो गुजरता लम्हा, वो उठता कदम अल्लाह की इताअत के साथ गुजर रहा है तो ये अल्लाह के कुर्ब के मरातिब को तय कर रहा है, अल्लाह की नजदीकी बढ़ती चली जा रही है। और अगर वो उठने वाला कदम या वो गुजरता हुआ लम्हा अल्लाह की नाफरमानी के साथ गुजरा है, या नाफरमानी तो नहीं की लेकिन फजूल जाया कर दिया, लाहो राम के अंदर गुजरा, तो ये भी वहां जाकर पछतावे का जरिया होगा कि वक्त को मैंने जाया क्यों किया था, काश मैं उस वक्त में अल्लाह की इताअत करता, अल्लाह का जिक्र करता, अल्लाह का नाम लेता। तो इसलिए आसान सी बात यह है कि लम्हाते जिंदगी की कदर करनी चाहिए और लम्हाते जिंदगी को जाया नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि जिस वक्त का जो हक हो उस वक्त में उसके हक को अदा करना चाहिए कि अब मैंने मेरे जिम्मे हक क्या है उसको अदा करना है। बस अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, इससे बढ़कर और क्या विलायत होगी कि जो आदमी हुकूक को अदा करने वाला हो और हुदूद को पामाल करने वाला ना हो, बल्कि शरीयत की हुदूद में, शरीयत के दायरे में वो अल्लाह और बंदों के हक को अदा कर रहा है, बस ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, इससे बढ़कर कौन सा वली हो सकता है। अल्लाह ये फिक्र हमें भी अता फरमा दे कि जो हमारी जिंदगी हुकूक और हुदूद के दरमियान है तो हुदूद में रहकर अल्लाह हमें हुकूक अदा करने वाला बनाए, बस ये जिंदगी का तरक्की का रास्ता है। ये बंदा फिर कभी तरक्की से रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واهدنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على دعائك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في ولي رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم.
اپنی رضا والے کاموں کی یادہ توفیق عطا کرنا، اپنی مرضیات پہ چلنا یادہ آسان کرنا، نہ مرضیات سے یادہ ہماری حفاظت کرنا، اعمال صالحہ کا یادہ اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ حقوق اور حدود کو ادا کرنے والا بنا، حدود میں رہ کر یا اللہ حقوق کو ادا کرنے والا بنا، حق تلقیوں سے یادہ ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ اس ذکر حبیب کی کامل برکات میں نصیب کرنا، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور کرنا، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، یا اللہ صحابہ کی، خلفاء راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب کرنا، آپ کی غلامی میں یا اللہ دین اور مرتبے کی توفیق عطا کرنا، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا بنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ سب کے ارادوں کو، تمناؤں کو ضائع پورا کرنا، سب کی حاجات کو پورا کرنا، سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ نجات عطا فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائق اور بھکاری بنا، اپنے در کا منتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو خطا کرنا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا کرنا، اعضا کی سلامتی عطا کرنا، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، بے قابلیت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت کرنا، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ خلق خدا کو نجات عطا فرما، اے اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے برن کو یا اللہ قائم کرنا، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ کرنا، مخلوق کے آگے یا اللہ سوال کی ذلت سے حفاظت کرنا، یا اللہ ہر ضرورت کو ازغیر پورا کرنا، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ کرنا، موانے اور رکاوٹوں کو یا اللہ دور کرنا، یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال کرنا، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، حفاظت بھی فرما، یا اللہ ضروریات کو ازغیر پورا کرنا، سب کے گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشا بنا، آپس میں محبت پیدا کرنا، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور کرنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا کرنا، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کرنا، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزا الله منا محمدا صلى الله عليه وسلم.